देखिए, असंध शहर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया गया है और बहुत ज़्यादा बड़ी दुर्घटना है, क्योंकि देर रात ये बताया जा रहा है कि एक महिला को यहाँ जलाया गया है। लगभग 70-80% वो महिला जल चुकी है। एसपी, एएसपी, एसएचओ, सीआईए, इंस्पेक्टर, डीएसपी, इस समय पूरी जो टीमें हैं वो मौके पर हैं और पूरी टीमें जो आ चुकी हैं, फोरेंसिक की जो टीमें हैं वो भी सुबह पहुंची थी। इस समय एएसपी साहब जो कि मौके पर पहुंच चुके हैं और ये वो जगह है जहां सामने आपको नज़र आ रहा है कि उस महिला को किस तरीके से यहां जला गया है। एसपी करनाल जो है इस समय मौके पर पहुंच चुके हैं और एक चीज़ का जो जायजा है वो करेंगे। और इस समय एएसपी, एसपी और एसएचओ, डीएसपी, सीआईए, इंस्पेक्टर मौके पर हैं और ये आप देख सकते हैं कि इस समय ये तस्वीरें आपको सीधी और लाइव नज़र आती हुई। लगातार बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, एक महिला को यहाँ जलाया गया है। किस तरीके से आप देख सकते हैं, एसपी करनाल मौके पर हैं और लगातार ये तस्वीरें सीधी और लाइव जो है आपको नज़र आती हुई। एसएचओ मौके पर हैं, लगातार ये देख सकते हैं इस समय। एएसपी मौके पर हैं, एसएचओ, इंस्पेक्टर मौके पर हैं और ये वो जगह है जहां उस महिला को जो है जलाया गया है। महिला को पोस्टमार्टम के लिए करनाल भेजा गया है और सारी जो टीमें हैं वो इस समय पहुंची हुई हैं उस नहर पर जहां इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। एक महिला जिसकी उम्र 35 से 37 साल की उम्र है और उसके हाथ पाँव में जो है अंगूठियां हैं और बताया जा रहा है कि जो उसकी डेड बॉडी है वो 2 से 3 दिन पुरानी है और उस महिला की बॉडी को यहां ला करके जलाने की पूरी जो कोशिश है वो की गई है और लगभग 70-80% उस महिला की बॉडी जली हुई है। सीआईए, एसपी, एएसपी, एसएचओ, डीएसपी मौके पर हैं और सारी जो तमाम जो दलबल है वो मौके पर पहुंचा हुआ है कि कितनी दूर से इस महिला को लाया गया है और कैसे इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। ये वो जगह है, ये दिखाओ, ये वो जगह है जहां महिला के जो बाल हैं वो भी इस समय आपको नज़र आते हैं। हमने जो डेड बॉडी की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि पूरी पूर्ण तरीके से वो डेड बॉडी जो है जली हुई है। जो कपड़े थे शरीर पर वो बिल्कुल जल गए थे और इस समय 112 की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। एसपी साहब ये जांच करते हुए कि ये दुर्घटना कैसे हुई है, क्योंकि और सज्जे हाथ की जो बाजू है और वो बिल्कुल जो है जल चुकी थी। खब्बे हाथ की बाजू पर एस का निशान था और बताया गया है कि देर रात का वाक्य बता रहे हैं कि 12 बजे के बाद से 4 बजे के बीच की घटना हो सकती है, क्योंकि सीज़न जो है गेहूं का वो चल रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि रिपर चलते रहते हैं, कंबाइनें चलती रहती हैं और लगातार इस समय ये वो जगह दिखाओ, इस जगह को दिखाना ज़रा। ये है वो जगह बिल्कुल इस खाली पड़ी नहर के बीच में वो लोग उतरे हैं। वहाँ नहर की परली पटड़ी पर जलाने की कोशिश की गई है। जलती हुई लाश को नीचे भी लाया गया है क्योंकि लपटें उठी थी, किसी केमिकल का तेल का जो है यूज़ किया गया है। और इस समय एसपी करनाल एक एक चीज़ की जांच करते हुए और कौन वो लोग हैं संदिग्ध, काफ़ी लगातार जो है बातचीत चल रही है कि क्या हुआ है ऐसा कि एक महिला जिसको जलाने की यहाँ कोशिश की गई है। एसपी, डीएसपी, एसएचओ, पूरी तमाम जो दलबल है वो इस समय मौके पर पहुँच चुका है। तो देखिए, क्राइम की जो है क्या वजह रही होगी, किस तरीके से जलाई गई है, उस बॉडी को जलाया गया है। और सुबह जब यहाँ पूर्व सरपंच हैं डेरा फुला सिंह के, उन्होंने देखा कि जो एक डेड बॉडी पड़ी है, उन्होंने वर्तमान सरपंच को संपर्क किया। उसके बाद कुत्ते बिल्कुल ये बता रहे कि कुत्ते उस लाश को नोच रहे थे और 112 की टीम को संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नंबर ना मिलने के कारण जो है फिर थाना असंध को जो है संपर्क किया गया। इस समय तमाम जो अधिकारी हैं
वो मौके पर पहुंचे हुए हैं कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। तमाम दल बल मौके पर हैं, सुबह फोरेंसिक की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंचती हैं और ये घटना कितनी दूर के वो लोग हैं, कहां से इस महिला को लेकर के आए, आसपास की जो थाने हैं उन पर पता किया जा रहा है कि क्या कोई महिला जो है संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है कि, लेकिन अभी कुछ एक दो के सामने ऐसे आए हैं कि एक दो महिला जो है वो बताई गई है कि संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है, लेकिन उसके जो आइडेंटिफाई है उसको करने की कोशिश यहाँ की गई है। तमाम दल बल, तमाम पुलिस की जो टीमें हैं, एसपी साहब मौके पर मौजूद हैं, वो पहुँचे हुए हैं और अभी ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इस केस को शॉर्ट आउट किया जाए कि आखिर में हुआ क्या है। इससे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मलकपुर जो नहर है उससे पुराना जो रेस्ट हाउस है, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, उसके ऊपर एक पटड़ी है, उस पटड़ी के ऊपर एक लाश को, जली हुई लाश को जो है कुत्ते नोचते हुए नजर आए। पूर्व सरपंच डेरा फुला सिंह मौके पर पहुंचे, उन्होंने वर्तमान सरपंच को जो है संपर्क किया और उसके बाद पुलिस के दल बल, पुलिस की टीमें मौके पर हैं और अभी पूरा तमाम जो दल बल है वो पहुंचा हुआ है कि इस घटना को अंजाम किन लोगों ने दिया, महिला कौन है, महिला कहाँ से आई है। 2 से 3 दिन का समय बताया जा रहा है कि पुरानी लाश है और उसको, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम हालांकि नहीं हुआ है लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि हाँ नहीं, वो तो उस होता है 35 से 36 की साल की जो उम्र है उसका एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन अभी एक एक बारीकी से एक एक चीज़ को जांचते हुए और लगातार ये वो जगह है, ये है वो जगह बाल महिला के आपको नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि जिस समय वो लाश उस समय ऊपर जल रही थी उस महिला के बालों को पकड़ करके जैसे ही नीचे लाने की कोशिश की वो बाल जो है हाथ में आ गए और नीचे आप देख सकते हैं कि वो स्थान जहाँ उस महिला को जला गया। काफ़ी दुखदाई हैं ये तस्वीरें कि कौन हैं वो लोग, किस तरीके से लगातार जो है उन्होंने काम किया है, किस इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, कहाँ से वो लोग आए हैं। तो ये तस्वीरें सीधी और लाइव मलकपुर से पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की, और पुराना रेस्ट हाउस है उसके ऊपर, नहर के ऊपर एक पटड़ी है जहाँ से साधन आते हैं जाते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 11 से 12 बजे तक रिपर भी चलते हैं, कंबाइनें भी चलती हैं, लेकिन ये वाक्य जो है 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच की ये घटना है। एक एक चीज़ को जाँचते हुए SP करनाल और दीपक सहारन, SP करनाल और CID की टीमें, SHO, DSP, तमाम ASP महिला जो है पहुंची हुई है और CID इंस्पेक्टर मौके पर हैं, एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ जांचते कि आखिर में हुआ क्या है। लगातार तस्वीरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अपराध और घटना जो है कहीं भी हो सकती है। ये लगातार एक एक चीज़ को देखते हुए, लगातार एक एक चीज़ को जांचते हुए, और ये वो नहर, ये सूखी नहर, और इस नहर में उस कोने पर, सामने उस कोने पर नहर की पटड़ी के दूसरी पटड़ी पर उस महिला को जलाया गया है। बाल जो है बालों से हो सकता है कि उस महिला को खींचा गया हो, और देखिए जैसे ही उस लाश को नीचे, मतलब क्योंकि आग की क्या तेल यूज़ किया गया, किस प्रकार से उस तेल को यूज़ किया गया, कौन सा वो तेल था, क्या वो केमिकल था, लेकिन देखिए जो घटना करने वाले लोग हैं, अपराधी हैं, वो बड़े ही शातिर हैं क्योंकि 3 से 4 दिन इस लाश को हो चुके थे। जहाँ कभी इस लाश को रखा हुआ, क्योंकि बदबू आनी जो है शुरू हो जाती है, कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, कुत्तों को जो है मुश्क आ जाती है और लोग भी जो है सतर्क हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने इसको खुर्द बुद करने की कोशिश की कि इस लाश को किसी न किसी तरीके से पूर्ण तरीके से जलाया जाए। और ये वाक्य हो सकता है देर रात 12 बजे से 4 बजे के बीच का, SP करनाल इस समय मीटिंग लेते हुए और एक एक चीज़ को घटनास्थल पर पहुँचे हुए हैं और जिम्मेवारी लगाते हुए कि इस समय
रोक लो एक मिनट। लगातार ये तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय SP करनाल पहुंचे हुए हैं, एक एक चीज़ को जो है देखते हुए लगातार। और इस घटना से पूरे शहर में एक खौफ फैला है कि लोग आज़ाद रूप से जो है घूम नहीं सकते, क्योंकि ये नॉर्मली एक पटड़ी है, यहाँ हो सकता है कि तीन सड़कों को ज्वाइंट करती है ये, कि आदमी हो सकता है देर रात इधर से उधर शॉर्टकट के चक्कर में चला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधी और कुख्यात लोग जो है इस ताक में रहते हैं कि लूटपाट का भी ये केस नहीं है। इस महिला को 2 से 3 दिन चलेंगे लेवा में, तो लगातार ये तस्वीर देख सकते हैं। SP करनाल मौके पर है, ASP मौके पर है, SHO, DSP, साइबर क्राइम की जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और लगातार इस समय आप देख सकते हैं कि इस घटना को किस प्रकार से उन लोगों ने अंजाम दिया है, और लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हैं शहर में एक डर का माहौल पैदा करती है। और अभी जो अधिकारी हैं वो एक एक चीज़ को जांचते हुए परखते हुए कि ये घटनाएं जो है और ना बढ़े, मौके पर कोशिश की जा रही है कि कुछ न कुछ सुराख जो है हाथ लगे, और कुछ ऐसे अभी मौके पर लगातार दिए हैं 112 मौके पर है, SP करनाल मौके पर है, कि चीज़ को बारीकी के साथ जो है चेक किया जा रहा। बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा।